मॉर्निंग, तो जिसका हमें इंतजार था कल से वो आ गया है नोटिफिकेशन फाइनली। एंड इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एमबीबीएस राउंड टू के लिए शेड्यूल आ गया है। ये देखिए होम पेज जो आईपी यूनिवर्सिटी का, उसमें आपको लेफ्ट में नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप अंदर जाएंगे नोटिसेस में तो आपको बल्कि एक नहीं दो नजर आएंगे। जी हाँ, जो इनका हम वेट कर रहे थे रजिस्टर्ड यूजर का, वो भी इन्होंने फाइनली लॉन्च कर दिया है। तो बाई चांस मैं झाऊंगा, नेट चल रहा तो मैंने खोल रखा था आपके लिए। सो देखिए ये भी लिस्ट उन्होंने डाल दी है जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है फॉर पार्टिसिपेशन इन राउंड टू। तो जैसा कि इन लोगों ने बार बार कहा था कि कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन हमें करना ही नहीं था, सो जिन लोगों ने भी राउंड वन से पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा था, या जिन्होंने भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा है, जिन्होंने राउंड वन में नहीं करा था, या 1200 रुपीज दिए थे, 1000 ने दिए थे, दोनों दिए थे, चॉइस नहीं करी थी, ऐसे जितने भी लोग हैं सबके लिए आ गया है। और ये उन्होंने रजिस्टर कैंडिडेट की लिस्ट भी डाल दी है जो कि एलिजिबल है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये देखिए जैसा मैं कह रहा था कि अगर आप नीचे जाते हैं शेड्यूल में तो बल्कि आपको दोनों दोनों नजर आ रहे हैं। और जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है शेड्यूल। तो शेड्यूल में देखिए 16 से ही स्टार्ट हो रहा है एज दे हैव टोल्ड बिफोर। रिपोर्टिंग के लिए 21-22 का टाइम भी दिया गया है बिकॉज 18 होली है एंड 19-20 इज वीकेंड, तो उसके हिसाब से इन्होंने आपको समय दिया है। आपको अगर मैं शेड्यूल बताऊं तो बहुत ऐसा लग रहा है शेड्यूल देख के कि शायद इस बार फिजिकल हैंडीकैप की सीट्स अभी ट्रांसफर हो जाएंगी, बिकॉज ये लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं फिजिकल हैंडीकैप से। तो देखिए आप 16 तारीख को सुबह सुबह सबसे पहले जो फिजिकल डिसेबिलिटी के कैंडिडेट्स हैं उनसे स्टार्ट होगा। ये जो दूसरा नोटिस है 7 पेज का, ध्यान से देखिएगा, इसमें सब लिखा हुआ है। दे स्टार्ट विद दिल्ली पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, डिफेंस, जो जो एसटी के अंदर डिफेंस है इन द फर्स्ट हाफ। अगर मैं सुबह की बात करूं, दिल्ली ओबीसी डिफेंस, दिल्ली जनरल डिफेंस, ये सब सुबह सुबह आ जाएगा। उसके अलावा दिल्ली शेड्यूल ट्राइब भी 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। शेड्यूल कास्ट और ओबीसी लंच के बाद 2 बजे स्टार्ट हो रहे हैं। और देखिए इसका मतलब लॉजिक वही होता है जैसे हम बाबर कहते हैं ना कि शेड्यूल ट्राइब कन्वर्ट्स इंटू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसी कन्वर्ट्स इंटू जनरल, राइट। सो सबसे पहले शेड्यूल ट्राइब निपटा दिया इन्होंने, उसके बाद शेड्यूल कास्ट 2 बजे से चालू हो रहा है। और आप देखेंगे जो ओबीसी है वो भी खैर 2 बजे चालू हो रहा है पैरेलली, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स कम मिलते हैं दिल्ली में। और 17 तारीख होगी फॉर दी ओपन कैटेगरी, या जिसे हम जनरल कैटेगरी कहते हैं उनके लिए। तो ये फिर 17 तारीख का है। 40,000 रुपीज़ का ड्राफ्ट आपको लेके जाना है जो कि हम एक आईपीयू में स्टैंडर्ड हमें मालूम होता है। सो ये और डिटेल्स हैं। देखिए सभी का नंबर आ गया, तो जिसका लिस्ट में नाम है तो आप ये लिस्ट देख लीजिए, आपके बच्चे का नाम है, दैट मीन्स आप उस दिन वहां पर जा सकते हैं। इस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है तो कोई दिक्कत हो चुकी है, जो ये लिस्ट है, ठीक है ना। और ये लिस्ट आप पीडीएफ है, एक्सेल में कन्वर्ट बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके अलावा ये देखिए जो इंटरेस्टिंग, 40,000 रुपीज का ड्राफ्ट रजिस्ट्रार गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी पेबल एट दिल्ली, आज बनवा लीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स हो गए, जो आपका आईपीयू का फॉर्म था, नीट स्कोर कार्ड, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, और इम्पोर्टेंट थिंग जो हमने बोला डीडी होगा। अब ये जो 4-5 अपेंडिक्स है, अगर आपको नहीं पता तो जो एक आईपी का ब्रोशर होता है 200 पेज का, उसमें एक अपेंडिसेस होते हैं, तो उसमें जो 4B होता है ये बड़ा बेसिक एमबीबीएस एडमिशन के लिए है। चॉइस फिलिंग की शीट है, आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट हो गया, अब आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, इसका भी इन्होंने फॉर्मेट दे रखा है, एंड शुड नॉट बी 6 मंथ ओल्ड, राइट। और फिर डिफेंस वालों के अपने जो अलग अपेंडिसेस होते हैं वो सब हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट है। अगर आप एक क्विकली देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब आप बड़ा ब्रोशर खोलेंगे तो उसको मैंने छोटे में काट रखा था फॉर अवर क्लाइंट्स, तो ये सिर्फ और सिर्फ ब्रोशर्स थे, सॉरी अपेंडिसेस थे। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये सारे अपेंडिसेस की बात हो रही थी जो आपको लेकर जाने हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, हर चीज़ हर के लिए इनका इनके पास एक फॉर्मेट है, तो ये आपको लेकर जाने हैं। ओके, ये आ गया देखिए वो वाला जो हम अभी 4B की बात कर रहे थे एमबीबीएस एडमिशन के लिए, तो उसका प्रिंट आउट जरूर ले जाइएगा या भर के ले जाइएगा। चॉइस फिलिंग का फिर एक आ जाएगा, ये नहीं चाहिए हमें, तो इस तरह जितने भी चाहिए वो आपको इस अपेंडिसेस सेक्शन में नजर आ जाएंगे जो आईपीयू का डिटेल्ड ब्रोशर होता है, राइट। द्वारका कैंपस में काउंसलिंग होती है सबको मालूम है, और जैसा कि हमने कहा ओरिजिनल्स आपको लेकर जाने ही है विद फोटोकॉपी,
और 21st और 22nd मार्च उन्होंने दिया है, क्योंकि होली फ्राइडे की हो गई और फिर वीकेंड हो गया, फॉर यू पीपल टू रिपोर्ट टू योर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। ओके, सो बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल, ये बाबा कह रहे हैं कि जो राउंड टू में जिनको सीट मिल चुकी है वो ना ही आए तो अच्छा है, बिकॉज उनके लिए ये सीट नहीं अवेलेबल है, तो वो स्टूडेंट ध्यान रखिए। लेकिन ये लोग ऑल इंडिया कोटा राउंड टू से चेक कर सकते हैं, और मैंने बार बार कहा ही है कि अगर आपके पास किसी स्टेट में राउंड टू है और इफ़ यू कैन प्ले एंड प्ले स्मार्टली देन यू कैन डू बोथ दी काउंसलिंग्स। ओके, जबकि उन्होंने लिख दिया है वैसे कि अगर आपको किसी स्टेट का भी मिला हुआ है तो भी आप सीट मत लीजिएगा। ओके, सो ये आप सब लोग वेट कर रहे थे, बेस्ट विशेस फॉर टुमारो। और अब तो खैर सब कुछ, वी आर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द काउंसलिंग, और जो इस वीडियो को सुन रहे हैं अगर वो नॉन आईपीयू वाले कैंडिडेट्स हैं, शायद उन्हीं के लिए मैं कहूँगा ज़्यादा काउंसलिंग बची है। जिन लोगों को प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए, तो आई थिंक होली के बाद में सबको बोला है मैंने, 21st to 30th मार्च वुड बी द टाइम फॉर एडमिशन इन प्राइवेट कॉलेजेस। सो फील फ्री टू अप्रोच अस, बी इन टच विद अस इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एडमिशंस, नेगोशिएटेड फीस एडमिशंस, क्वालिटी कॉलेजेस, काउंसलिंग एंड सपोर्ट। तो आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज ले सकते हैं 9643362320 पे कॉल करके। बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, एंड बेस्ट विशेस।